हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविलारा। आज हम जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2017 के नोबल प्राइज़ विनर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नोबल प्राइज़ विनर्स 2017। सबसे पहले फिजिक्स में जिनको नोबल प्राइज़ मिला है उनका नाम है रेनर वेस, बैरी सी बैरिश के पेस्थ्रोन। इनको याद करने का तरीका आप ऐसे याद सकते हो कि आप एक बादल कंसीडर करो जिसके ऊपर से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब बारिश माने रेन। तो रेन को आपको याद रखना है, तो इससे आप फिज़िक्स के जो नोबल प्राइज़ विनर्स हैं उनको याद कर सकते हो। रेनर वेस यानी कि रेन, तो इसका मतलब ये याद हो गया। उसके बाद बैरी सी बैरिश, बैरिश मीन्स बारिश, तो ये भी याद हो गया। थर्ड आता है हमारा किप पेस्थ्रोन। किप से आप ये याद रखते हो कैप, कैप कब पहनते हैं, ऐसे याद रख लो कि कैप तब पहनते हैं जब बारिश हो रही हो, तो ये भी बारिश से याद हो गया। तो इस तरह से हम रेन से तीनों फिजिक्स के नोबल प्राइज़ विनर्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिटरेचर के नोबल प्राइज़ विनर कैजियो इशिगुरो। सो इसको हम याद रख सकते हैं एक काजू, जब भी लिटरेचर का पूछा जाएगा तो आप एक काजू याद रख लो, वहाँ से कैजियो इशिगुरो को आप याद रख सकते हो। थर्ड आता है नोबल पीस प्राइज़ किसको मिला है, उसके लिए आपको पहले याद रखना है आई कैन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, जब भी नोबल पीस प्राइज़ की बात आएगी दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, सो आई कैन मेंटेन पीस, तो उसके लिए आप आई कैन याद रख सकते हो। तो आई कैन का आएगा इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को याद रखने के लिए सिंपल है, एक ही नाम है रिचर्ड एच थैलर। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री का जैक्स डेबोजेट, जर्चिन फ्रैंक एंड रिचर्ड हैंडरसन, जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद पद्मा अवार्ड विनर्स, और जिसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पद्मा अवार्ड कितने तरह के होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्मश्री अवार्ड्स। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, सात पद्म भूषण मिले हैं 2017 में, सात पद्म भूषण मिले हैं 2017 में एंड 75 पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं 2017 में, ठीक है। उसके बाद 2018 में 3 पद्म विभूषण मिले हैं, 9 पद्म भूषण मिले हैं और 73 पद्मश्री अवार्ड्स मिले हुए हैं। उसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में श्री देवेंद्र जजारिया, जिन्हें पैरा एथलीट में मिला है अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है उन्हें, एंड श्री सरदार सिंह जो कि हॉकी के काफ़ी मशहूर खिलाड़ी है, उन्हें हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद एक बहुत ही मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे, उनके नाम पर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है, जिसमें मिस्टर भूपेंद्र सिंह जिन्हें एथलेटिक्स में अवार्ड मिला था, मिस्टर साइद शाहिद हकीम जिन्हें फुटबॉल में अवार्ड मिला था, एंड मिस्टर समराई टैटे जिन्हें हॉकी में अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य अवार्ड 2017। फर्स्ट आता है लेट डॉक्टर आर गांधी जिन्हें एथलेटिक्स में अवार्ड मिला था, मिस्टर हीरानंद कटारिया जिन्हें कबड्डी में मिला था, काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं कबड्डी के ये, मिस्टर GSSV प्रसाद जिन्हें बैडमिंटन में मिला था, मिस्टर संजय चक्रवर्ती जिन्हें शूटिंग में मिला था, रोशन लाल जिन्हें रेसलिंग में मिला था, PA रैफल जिन्हें हॉकी में मिला था। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट नोबल प्राइज विनर्स ऑफ 2017, सम अबाउट 2018।
हम इसी तरह से डेली बेसिस पे जीके ट्रिक्स आपको बताएंगे, जो कि आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।